हेलो दोस्तों, और एक वीडियो में आप सबका बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं प्रगति और आज के इस वीडियो में हम यहां पे जानने वाले हैं कि कोटक नियो में ट्रेडिंग कैसे करते हैं उसके बारे में, इंट्राडे ट्रेडिंग कैसे करते हैं उसके बारे में हम यहां पे जानने वाले हैं। दोस्तों, इस ऐप में ट्रेडिंग करने का आपको सबसे बड़ा फायदा यहाँ पे ये होता है कि इंट्राडे के लिए आपको यहाँ पे कोई भी ब्रोकरेज नहीं देना है, आपको यहाँ पे ब्रोकरेज नहीं लगता है, तो इंट्राडे के लिए बहुत अच्छा ये ऐप है। इस वीडियो में हम आपको यहाँ पे एक एग्जाम्पल के लिए एक स्टॉक को बाय और सेल करके दिखाने वाले हैं। हम आपको यहाँ पे लाइव ट्रेडिंग करके दिखाने वाले हैं, तो पूरा वीडियो जरूर देखना। और अगर आपको यहाँ पे कोई भी डाउट हो तो आप मुझे यहाँ कमेंट करके पूछ सकते हो। तो गाइस, चलो वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, इसमें ट्रेडिंग करने के लिए सबसे पहले आपके पास अकाउंट होना चाहिए। अगर आपके पास अकाउंट नहीं है तो मैंने आपको एक लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहाँ पे आपको डिटेल में वीडियो मिलेगा कि कैसे अकाउंट ओपन किया जाता है, वहाँ से आप देख सकते हो। अकाउंट ओपन करने के बाद और लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ पे कोटक नियो का जो ऐप है उसको ओपन कर लेना है। इसको ओपन करने के बाद जो है आपको कुछ इस तरह का यहाँ पे स्क्रीन मिलता है। अब जो है आपको यहाँ पे नीचे कुछ ऑप्शन दिख रहे हैं, होम, वॉचलिस्ट, ऑर्डर्स, पोर्टफोलियो, इन्वेस्ट। तो यहाँ पे ट्रेडिंग शुरू करने से पहले ये जो ऑप्शंस है ये किस काम में आते हैं वो यहाँ पे समझते हैं। तो पहला जो है दोस्तों यहाँ पे होम का, होम में आपको कुछ इस तरह के ऑप्शंस मिलते हैं, स्टॉक्स, एफएनओ, म्यूचुअल फंड्स, ये ऑप्शंस मिलते हैं। स्टॉक्स में आप यहाँ पे देख पा रहे हो क्या क्या दिया है, मार्केट इंडाइसेस आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, सारे इंडाइसेस यहाँ पे ऊपर ही आपको मिल जाएंगे, निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी वगैरह, तो वहाँ पे आप इंडेक्सेस चेक कर सकते हो। उसके बाद जो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स आपको दिया है, म्यूचुअल फंड्स, आईपीओ, तो इस पर क्लिक करोगे, एक एक पर क्लिक करोगे तो आपको वहाँ पे उसका भी सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। अब नेक्स्ट आता है यहाँ पे एफएनओ का, यानी कि फ्यूचर एंड ऑप्शंस। तो यहाँ पे आपको दोबारा मार्केट इंडाइसेस दिख रही है, मतलब आप यहाँ पे स्टॉक्स में देख सकते हो या फिर यहाँ पे एफएनओ में भी मार्केट इंडाइसेस वगैरह चेक कर सकते हो। उसके बाद जो है यहाँ पे म्यूचुअल फंड्स का ऑप्शन आपको दिया है, आप यहाँ पे देख सकते हो टॉप परफॉर्मिंग फंड्स, तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हो, है ना, कि कौन सा म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट कर सकते हो या फिर कौन सा आपके लिए सही है, वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर मोस्ट पॉपुलर फंड्स भी दिया है नीचे, तो वो भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हो, ठीक है। अभी जो है दोस्तों नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ पे नेक्स्ट जो आता है हमारा वॉच लिस्ट का आता है। वॉच लिस्ट में आप यहाँ पे जो है दोस्तों जितनी चाहिए उतनी वॉच लिस्ट यहाँ पे बना सकते हो। आपको ऊपर यहाँ पे जो दिख रहा है ना, थ्री लाइंस और प्लस का साइन दिख रहा है, सिंपली उस पर क्लिक करना होता है और आप यहाँ पे वॉच लिस्ट बना सकते हैं। कैसे, चलो देखते हैं। तो इस पर क्लिक कर लेते हैं वॉच लिस्ट बनाने के लिए। उस पर क्लिक करने के बाद जो है आपको यहाँ पे नीचे न्यू लिस्ट का एक ऑप्शन आ रहा है, तो उस पर सिंपली क्लिक करना है। न्यू लिस्ट पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे नेम डालना है, जो आपको रखना है वॉच लिस्ट का नेम वो डालना है, और नीचे जो सेव का ऑप्शन दिया है उस पर क्लिक करना है। तो ये जो है यहाँ पे वॉच लिस्ट ऐड हो जाएगा, आप देख पा रहे हो यहाँ पे, ठीक है। अब जो है दोस्तों यहाँ पे वॉच लिस्ट में स्टॉक्स कैसे ऐड करते वो देखते हैं, और उसके बाद हम यहाँ पर ट्रेडिंग कैसे करते वो देखने वाले हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि वॉच लिस्ट में मैंने यहाँ पे कुछ ऐड करके रखे हैं, कुछ स्टॉक्स ऐड करके रखे हैं, आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पे जो है आपको अगर नया वाला स्टॉक्स ऐड करना है तो आपको सिंपली यहाँ पे जो है जो सर्च बॉक्स दिया है वहाँ पे सर्च करना है उसका नाम, जैसे कि हम यहाँ पे करते हैं अभी अपोलो टायर को ऐड करते हैं, तो यहाँ पे ऊपर सर्च करना है सिंपली, हमें यहाँ पे दिख रहा है ना नीचे, तो हमें क्या करना है उसके सामने जो प्लस का साइन है उस पर सिंपली क्लिक करना है, तो ये ऐड हो जाता है वॉच लिस्ट में, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे वॉच लिस्ट का क्या काम होता है, हम वॉच लिस्ट क्यों बनाते हैं, तो वॉच लिस्ट से हमें यहाँ पे मतलब जो स्टॉक्स में हमें इंटरेस्ट है वो यहाँ पर एक जगह पर हमें मिलते हैं, और आसान हो जाता है हमें देखना कि हमारा जिस स्टॉक में इंटरेस्ट है उसका जो कुछ प्राइस है वो ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है वो देखना, उस पर नज़र रखना यहाँ पे आसान हो जाता है अगर ये वॉच लिस्ट में हम यहाँ पे ऐड करके रखते हैं, यानी कि हम यहाँ पे एक लिस्ट बना रहे हैं स्टॉक्स की, ठीक है। तो ये बात यहाँ पे है, तो हमने यहाँ पे ऐड कर दिया है अभी अपोलो टायर का, ठीक है। दोस्तों अब हमारे पास यहाँ पे ट्रेडिंग करने के लिए फंड होना ज़रूरी है, तो वो कैसे ऐड करना है वो देखते हैं। तो ऊपर जो फंड्स का ऑप्शन है वहाँ पर जाके आपको यहाँ पर डिपॉजिट का जो ऑप्शन दिख रहा है उस पर क्लिक करना है, यहाँ पे फंड ऐड करने के लिए डिपॉजिट के ऑप्शन पे क्लिक करना है, और अगर आपको विड्रॉ करना है तो विड्रॉ के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो हम यहाँ पे ऐड कर रहे हैं तो डिपॉजिट के ऑप्शन पे क्लिक किया, उसके बाद आपको जितना अमाउंट यहाँ पे डिपॉजिट करना है वो ऊपर यहाँ पे एंटर करना है, और नीचे यहाँ पे जो है पेमेंट मोड आपको सिलेक्ट करना है और पे के ऑप्शन पे क्लिक करना है, उसके बाद आपको यहाँ पे कंटिन्यू कर देना है, ठीक है।
उसके बाद आपने यहाँ पे जो ऐप चूज़ किया होगा उस पर जाएगा, वहाँ पे परमिशन देके आपको पेमेंट कर देना है। इस तरह से आपको जितना चाहिए उतना फंड आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। अभी दोस्तों हमें जो बाय करना है वो अगर पहले ही हमने यहाँ पे वॉच लिस्ट में ऐड करके रखा है तो सिंपली उस पर क्लिक करना है और उसको बाय करना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे जो है अपोलो टायर का जो है उसको यहाँ पे ख़रीद रहे हैं, तो उस पर सिंपली क्लिक करते हैं। उसके बाद जो है हमें यहाँ पे कुछ इस तरह का स्क्रीन आता है, यहाँ पर आपको दिखाया है व्यू शेयर डिटेल्स, है ना। तो उस पर क्लिक करके आप यहाँ पर डिटेल्स देख सकते हो और यहाँ पे इस पर क्लिक करोगे तो आप यहाँ पे चार्ट में आ जाओगे, आप यहाँ पे चार्ट भी चेक कर सकते हो, ठीक है। अब जो है हम इसको बैक ले लेते हैं एक बार, तो यहाँ पे वॉच लिस्ट में आके यहाँ पे इस पर क्लिक करना है और फिर बाय के ऑप्शन पे क्लिक करना है। बाय के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद जो है हमें यहाँ पे नेक्स्ट स्क्रीन आ जाता है। यहाँ पे आपको ऊपर इन्वेस्ट और दूसरा इंट्राडे का ऑप्शन है। इन्वेस्ट यानी कि डिलीवरी, यानी कि हम अगर कुछ होल्डिंग्स के लिए ले रहे हैं, अगर हम शेयर्स जो है उसको होल्डिंग्स के लिए ले रहे हैं तो हमें यहाँ पे इन्वेस्ट के ऑप्शन पर क्लिक करके इसको बाय करना है। मतलब यहाँ पर इन्वेस्ट ऑप्शन रख के हमें बाय करना है। और अगर हम आज लेके आज ही उसको सेल करने वाले हैं तो उसको जो है हम यहाँ इंट्राडे में खरीदते हैं। तो दोस्तों अभी जो है आज का हमारा ये जो टॉपिक है यहाँ पे, तो हम इंट्राडे में ट्रेडिंग करने वाले हैं। तो यहाँ पे इंट्राडे सेलेक्ट करते हैं, उसके बाद कितना क्वांटिटी आप लेना चाहते हो वो क्वांटिटी आपको यहाँ पे इस बॉक्स में यहाँ पे एंटर करनी है क्वांटिटी के नीचे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट आता है ऑर्डर टाइप, लिमिट, मार्केट, एसएल लिमिट और एसएल मार्केट, ओके। तो यहाँ पे जो है लिमिट का जो दोस्तों होता है, लिमिट यानी कि आप जिस प्राइस पर उसको ख़रीदना चाहते हैं वो प्राइस आप यहाँ पे इस बॉक्स में डाल सकते हैं, और तब तक वेट करना पड़ता है आपको जब तक वहाँ तक मार्केट प्राइस नहीं पहुँचता है। जिस स्टॉक को आपको ख़रीदना है उसका मार्केट प्राइस आपने लगाई हुई लिमिट प्राइस तक नहीं पहुँचता है तब तक आपको वेट करना पड़ता है, ठीक है। तब तक आपका ऑर्डर यहाँ पे एग्जीक्यूट नहीं होगा। लेकिन अगर आपने यहाँ पे मार्केट का ऑप्शन सिलेक्ट किया तो जो है आपका ऑर्डर यहाँ पे तुरंत एग्जीक्यूट हो जाता है, जो कुछ मार्केट प्राइस चल रही होगी उसी प्राइस में वो ख़रीदा जाता है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे इन्वेस्ट और इंट्राडे में क्या अंतर होता है, तो इन्वेस्ट का जो होता है, इन्वेस्ट में आपको यहाँ पे कोई मार्जिन नहीं मिलता है, लेकिन दोस्तों आपको इंट्राडे में यहाँ पे 2 टाइम से लेके 5 टाइम तक आपको मार्जिन मिलता है। यानी कि अगर आप इन्वेस्ट करके मतलब होल्डिंग्स में अगर आप एक ही स्टॉक खरीद पा रहे हो तो उतने ही पैसे में आप यहाँ पे इंट्राडे में 5 टाइम्स क्वांटिटी खरीद सकते हो, या फिर मतलब जिस स्टॉक के लिए जितना मार्जिन होगा उतना आप यहाँ पे खरीद सकते हो इस तरह से। अब दोस्तों यहाँ पे अपोलो टायर में आप देख पा रहे हो कि अगर हम 5 क्वांटिटी एंटर करते हैं तभी हमें यहाँ पे कितने पैसे लग रहे हैं, 491, जो कि इसकी मार्केट प्राइस है। मतलब एक स्टॉक के लिए आपको इन्वेस्ट में जितना पैसा लगेगा उतना पैसा आपको यहाँ पे इंट्राडे में लग रहा है, ठीक है। मतलब अगर आपके अकाउंट में उतने ही पैसे हैं तब भी आप यहाँ पे 5 क्वांटिटी खरीद सकते हैं। तो हमने यहाँ पे क्वांटिटी एंटर कर दी है, उसके बाद यहाँ पे ऑर्डर टाइप में हम मार्केट रखने वाले, प्रोडक्ट टाइप में MIS, और उसके बाद जो है यहाँ पे स्वाइप टू बाय के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो हमारा जो है ये ऑर्डर यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अब आप यहाँ पे ऑर्डर्स में देख सकते हो, ऑर्डर्स में जो है यहाँ पे क्लोज्ड में दिख रहा है क्योंकि हमारा ऑर्डर जो है ये क्लोज हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है, एग्जीक्यूट हो चुका है। यहाँ पे ओपन तब दिखाता है जब ये पेंडिंग होता है, यानी कि यहाँ पे एग्जीक्यूट नहीं हुआ होता, ठीक है। अब जो है हमें यहाँ पे पोर्टफोलियो में हम चेक कर सकते हैं कि इसका जो है लॉस में चल रहा है प्रॉफिट में चल रहा है, यहाँ पे पोर्टफोलियो में पोजीशंस में, क्योंकि हमने इसको इंट्राडे में खरीदा तो ये यहाँ पे पोजीशंस में दिखेगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो दोस्तों कि प्रॉफिट लॉस यहाँ पे ऊपर दिखा रहा है, नीचे आप यहाँ पे देख पा रहे हो हमारी पोजीशन, ठीक है। अब जो है इसको कैसे सेल करते हैं वो भी हम यहाँ पे जानने वाले हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा वेट करने के बाद जो हमें यहाँ पे प्रॉफिट बढ़ता हुआ दिख रहा है आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। मतलब ये अभी ऊपर जा रहा है यहाँ पे। अब जो है इसको कैसे सेल करते हैं चलो जानते हैं। तो हमें इस पर सिंपली क्लिक करना है यहाँ पे। इस पर क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पे सेल टू स्क्वेयर ऑफ का एक ऑप्शन दिखता है, उस पर क्लिक करना है। फिर आपको कुछ इस तरह का यहाँ पे स्क्रीन दिखेगा, यहाँ पे आपको क्वांटिटी एंटर करनी है, उसके बाद आपको यहाँ पे ऑर्डर टाइप में एक सिलेक्ट करना है, हम यहाँ पे मार्केट करने वाले हैं। उसके बाद जो है यहाँ पे प्रोडक्ट टाइप में से आपको सिलेक्ट करना है, हम यहाँ पे MIS रखने वाले हैं। तो हमें यहाँ पे ऑर्डर टाइप मार्केट कर दिया है, ठीक है। उसके बाद हमें सिंपली यहाँ पे
स्वाइप टू सेल के ऑप्शन पे क्लिक करना होता है। दोस्तों यहाँ पे आप जो है एस्टिमेटेड चार्जेस भी चेक कर सकते हो। यहाँ पे आपको एस्टिमेटेड चार्जेस का एक ऑप्शन दिया हुआ है, उस पर क्लिक करके आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपने जो ऑर्डर यहाँ पे लगाई है उसके लिए आपको कितने चार्जेस लगेंगे। इस तरह से ब्रोकरेज कितना लगेगा और बाकी के चार्जेस आप यहाँ पे टोटल चार्जेस कितने लगेंगे वो चेक कर सकते हो। ठीक है, तो अब जो है हम इसको सेल करने के लिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे स्वाइप टू सेल के ऑप्शन पे हमें सिंपली क्लिक करना है। तो हमारी ये ऑर्डर यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, तो इस तरह से जो है दोस्तों हमने सक्सेसफुली यहाँ पे इंट्राडे में ट्रेडिंग कैसे करते हैं वो बताया है। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा यहाँ पे। और दोस्तों अभी जो हमने सिर्फ यहाँ पे 5 क्वांटिटी ली थी तो हमारा प्रॉफिट इतना हुआ है। अगर आपने यहाँ पर ज़्यादा क्वांटिटी ली तो आपको अच्छे से प्रॉफिट भी मिल सकता है। लेकिन एक बात यहाँ पर बहुत ज़रूरी है कि इंट्राडे ट्रेडिंग रिस्की होता है एज़ कम्पेयर टू डिलीवरी यानी कि होल्डिंग्स के। तो आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें समझना है। पहले आपको स्टडी करना है अच्छे से, उसके बाद ही आपको यहाँ पे इंट्राडे में करना है तो आप यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको यहाँ पे कुछ डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं।